हमारे देश में जहाँ पर चाइल्ड मैरिज जो है एक बहुत पुराना रिचुअल जो है वो माना जाता है, वहीं पर कई सारे कानून जो है वो लाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया में चाइल्ड मैरिज लगातार जारी है, वहीं पर जो चाइल्ड मैरिज जो है अपने में ही प्रॉब्लमेटिक जो होता है, लेकिन साथ ही साथ जो है महिलाओं में कुपोषण जो है वो देखा जाता है, और साथ ही साथ जो बच्चों में है वो भी कुपोषण देखा जाता है, और जितने भी लोग जब चाइल्ड मैरिज करते हैं तो बताया जाता है उस टाइम पे जो है मैटरनल मोरलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वहीं पर इंडिया में जो है चाइल्ड मैरिज को लेके कहीं ज़्यादा लॉज जो है वो लाए जाते हैं। सबसे पहले जो है 1929 में जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है वो लाया था, उसके बाद जो है काफ़ी उसमें तब्दीलियाँ भी देखने को मिली थी, और उसके बाद 2006 में जो है चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो लाया गया, और अभी तक जो है वो लागू है। मैं चाइल्ड मैरिज के लिए जो है लगातार इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि हमारे देश में जो है लगातार ऐसे केसेस जो है वो सामने आते हैं। वहीं पर एक केस जो है महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट से जो है वहाँ पे सामने आ रहा है, जहाँ पे एक लड़की ने अपना जो SSC का एग्जाम है वो स्किप कर दिया था क्योंकि उसकी शादी जो है वो हो रही थी। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो केस भी वो भी दर्ज किया गया। हमारे इंडिया में ये रूल है कि 21 साल से जो नीचे अगर लड़की की बात करें तो उसकी उम्र जो है अगर 21 साल से नीचे होती है तो वो शादी जो है वो मानी नहीं जाती है, और उसके बाद लड़की की उम्र जो है अगर 18 साल से नीचे है तो ये जो है कानून के खिलाफ माना जाता है। वहीं पर इस लड़की की बात करूँ जो महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रहने वाली थी, उसकी उम्र जो है 16 साल बताया जा रहा था, और वहीं पर जब वहां के ग्राम सेवक को ये बात पता चलती है तो वो उस जगह पे पहुंचते हैं और वो उसके जो फैमिलीज है उससे पूछताछ भी करते हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। उसके बाद जो है पुलिस वहां पे पहुंचती है और ऑफिशियल्स जो है जब वहां पे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी शादी जो है वो हो गई थी। उसके बाद केस जो है वो भी रजिस्टर्ड किया जाता है, और उसके बाद जो है जितने भी वहां पे गेस्ट है उनके ऊपर भी केस जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो लड़की ने जो है अपना एग्जाम है वो स्किप कर दिया, उसके बाद जो है उसकी शादी वहां पे हो रही थी 24 साल के लड़के के साथ, और उसके बाद जो है केस रजिस्टर्ड किया जाता है अंडर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के अंडर, और वहीं पर 13 ऐसे लोगों के खिलाफ भी केस जो है दर्ज किया जाता है, और उसके बाद जो गेस्ट वहां पे आए थे जिन्हें शादी अटेंड की थी उनके खिलाफ भी जो है वो केस रजिस्टर्ड किया जाता है। आप इसकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कह सकते हैं। अभी की अपडेट के लिए इतना ही, ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहे जेके न्यूज़ पर।